वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम यहां पर प्रिपेयर करेंगे एक डिजिटल क्लॉक एप्लीकेशन। तो चलिए बिना देरी के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे डिजिटल क्लॉक, क्योंकि हम यहां पर एक डिजिटल क्लॉक एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, हमारी यहां पर एक फाइल प्रिपेयर हो चुकी है जहां पर इस प्रोजेक्ट को आज हम एग्जीक्यूट करेंगे। इस फाइल को थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। अब बात करते हैं कुछ मॉड्यूल्स की, तो मैं यहां पर लिखता हूं फ्रॉम, ठीक है, इंटर, और यहां से हम इंपोर्ट करेंगे स्टार को। अब आप बोलोगे सर आपने टिक इंटर मॉड्यूल का ही यूज क्यों किया। जब भी आपको पाइथन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसी भी एप्लीकेशन का प्रिपेयर करना होता है तो आपको वहां पर टिक इंटर मॉड्यूल का यूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम यहां पर एक डिजिटल क्लॉक एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें यहां पर टाइम मॉड्यूल की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहां पर इंपोर्ट करता हूं टाइम मॉड्यूल को। ठीक है, हमें यहां पर एप्लीकेशन में जो जो मॉड्यूल्स रिक्वायरमेंट है उन मॉड्यूल्स को हम करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट कर चुके हैं। अब बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन की विंडो की, तो चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। तो मैं यहां पर बनाता हूं एप विंडो, ठीक है, एप विंडो, और यहां पर ले आते हैं टीके को। हमारा टीके यहां पर बढ़िया से आ चुका है और हमारी एप्लीकेशन की विंडो प्रिपेयर हो चुकी है। अब बात करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या होना चाहिए, तो चलिए उसका नाम यहां पर डिफाइन करते हैं। तो मैं यहां पर यूज करूंगा एप विंडो डॉट टाइटल फंक्शन का। टाइटल फंक्शन की मदद से आप अपनी एप्लीकेशन का नाम यहां पर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं डिजिटल क्लॉक, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं डिजिटल क्लॉक। ये हमारी एप्लीकेशन का नाम यहां पर हम कंफर्म कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमारी जो विंडो आएगी ना एप्लीकेशन की उसका साइज क्या होना चाहिए, तो चलिए इसका यहां पर साइज भी डिफाइन करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं एप विंडो डॉट, यहां पर आपको मिल जाएगा जियोमेट्री नाम का फंक्शन। इस फंक्शन की मदद से आप आपकी विंडो का यहां पर साइज या तो फिक्स कर सकते हो या फिर रिसाइजेबल भी कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फिलहाल मैं यहां पर हम हमारे विंडो का साइज देते हैं, तो मैं यहां पर लिखता हूं 590x150। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन का यहां पर हम साइज डिफाइन कर सके हैं। अब बात करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की जो विंडो आएगी ना वो रिसाइजेबल होना चाहिए या नहीं, तो चलिए उसको यहां पर डिफाइन करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं एप विंडो डॉट, यहां पर आपको मिल जाएगा रिसाइजेबल नाम का फंक्शन। अगर आपको यहां पर रिसाइज नहीं करना है तो आप यहां पर 0.0 कर सकते हो। अगर आपको आपकी एप्लीकेशन की विंडो रिसाइज करना है तो आपको यहां पर 1.1 लिखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन के दौरान हमें बहुत सारे टेक्स्ट का यूज करना होगा, तो उस टेक्स्ट का साइज क्या होना चाहिए, मतलब आपके टेक्स्ट फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए। तो आपकी एप्लीकेशन में जितने भी टेक्स्ट आएंगे ना उनके फॉन्ट के साइज सेम होना चाहिए ताकि आपकी एप्लीकेशन लुक वाइज बहुत अच्छे से विजिबल हो आपके क्लाइंट या फिर आपके यूजर को। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक टेक्स्ट फॉन्ट पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट फॉन्ट, ठीक है, और यहां पर हम किसी टेक्स्ट के फॉन्ट के साइज को डिफाइन कर लेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं बोल्डर, तो बोल्डर, और उसके बाद उसका साइज तो 68 कर लेते हैं। देन वो स्मॉल में होना चाहिए या फिर बोल्ट में, तो हम यहां पर यूज करेंगे बोल्ट का। ठीक है, हम यहां पर एक टेक्स्ट फॉन्ट डिफाइन कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो चलिए उसको भी यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और ये हमारा बैकग्राउंड यहां पर आ चुका है। अब यहां पर किसी कलर को आपको मेंशन करना होगा, फॉर एग्जांपल आप यहां पर ब्लू, पर्पल या ग्रीन या येलो किसी भी कलर का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक कलर का कोड लिखता हूं F2E देन 750, ठीक है, 750, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर मान लीजिए कि आपको फोरग्राउंड मतलब FG कलर का भी यूज करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन हमें यहां पर करना है तो हम उसको भी यहां पर डिफाइन करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं फोरग्राउंड, और ये हमारा यहां पर स्टोर हो चुका है। और यहां पर भी एक कलर का कोड हमें लिखना होगा, तो मैं पहले लिखता हूं #3635 3635 and 29, ठीक है, ये हमारा एक कलर यहां पर स्टोर हो चुका है। अब बात करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की जो बॉर्डर विड्थ है ना वो क्या होना चाहिए, तो चलिए उसको भी यहां पर डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं बॉर्डर, और इसका नाम भी सेम लेते हैं बॉर्डर विड्थ, ठीक है, ये हमारी यहां पर बॉर्डर विड्थ हम यहां पर डिफाइन कर चुके हैं। और इसमें इसका साइज ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 25, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का जो लेबल आएगा वो किस टाइप से आना चाहिए, तो चलिए लेबल को यहां पर बढ़िया से डिजाइन करते हैं। तो मैं यहां पर एक लेबल नाम का वेरिएबल बनाता हूं, और यहां पर ले आते हैं लेबल को। अब इस लेबल के अंदर हमें जिस टाइप का लेबल चाहिए वो सारी चीजें हमें यहां पर कंडीशन के साथ डिफाइन करनी होगी या फिर लिखना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बात, हमारा लेबल कहां पर आना चाहिए, तो एप विंडो के ऊपर आना चाहिए। तो मैं यहां पर पास कर देता हूं एप विंडो, देन हमारा जो लेबल आएगा ना उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर हमने यहां पर एक टेक्स्ट फॉन्ट नाम का वेरिएबल बनाया तो वो पास कर देता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं टेक्स्ट फॉन्ट, ठीक है, देन कॉमा करके हमारी एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कलर, तो उसके लिए हम यहां पर यूज करते हैं BG का।
बीजी का फुल फॉर्म होता है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो यहां पर हम एक वेरिएबल बना चुके हैं बैकग्राउंड कलर के लिए बैकग्राउंड नाम से, तो मैं यहां पर वो पास कर दूंगा बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एफजी कलर की, तो मैं यहां पर एफजी के लिए यहां पर फोरग्राउंड का यूज करने वाला हूं, तो मैं यहां पर पास कर देता हूं फोरग्राउंड, ठीक है। अब बात करते हैं बीडी की, मतलब आपकी बॉर्डर विड्थ क्या होनी चाहिए, तो वो हमने स्टोर की है बॉर्डर विड्थ नाम के वेरिएबल में, तो मैं वहां पर डायरेक्टली पास कर सकता हूं बॉर्डर विड्थ, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी यहां पर एक बढ़िया से लेबल प्रिपेयर हो चुका है। जब भी आप किसी एप्लीकेशन के दौरान किसी भी लेबल को प्रिपेयर करते हो तो आपको उस लेबल को ग्रिड करना होता है, तो चलिए इस लेबल को भी यहां पर ग्रिड कर देते हैं लेबल डॉट ग्रिड फंक्शन की मदद से। अब ग्रिड करते टाइम आपके लेबल की जो आपको लोकेशन है ना वो देना होता है रो नंबर और कॉलम नंबर के साथ, तो मैं यहां पर उसको रो नंबर 0 दे देता हूं, ठीक है, स्टार्टिंग में चाहिए, और कॉलम फॉर एग्जाम्पल 1 दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा यहां पर लेबल बढ़िया से सेट हो चुका है। अब बात करते हैं कि हमारे जो डिजिटल क्लॉक आएगी ना उसका टाइम गेट करना है, मान लीजिए लोकल सिस्टम से, तो वो टाइम गेट करने के लिए आपको अलग से एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, तो चलिए यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो हमारी डिजिटल क्लॉक को बढ़िया से यूजर को शो करेगा। तो मैं यहाँ पर एक सेम नाम से फंक्शन बनाता हूँ डिजिटल क्लॉक नाम से, डिजिटल और क्लॉक नाम से एक फंक्शन बनाते हैं। ये हमारा यहाँ पर एक फंक्शन प्रिपेयर हो चुका है जो हमें इस सिस्टम का लोकल सिस्टम का टाइम ला कर देगा, तो वो टाइम होगा आपका लाइव टाइम। तो मैं यहाँ पर एक टाइम लाइव नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पर हमारा जो भी सिस्टम का लाइव टाइम अभी चल रहा होगा ना सिस्टम का लोकल सिस्टम का वो टाइम आएगा, ठीक है। तो वो टाइम लाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे टाइम मॉड्यूल का टाइम डॉट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एसटीआरएफ नाम का फंक्शन। इस फंक्शन की मदद से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको लोकल सिस्टम का टाइम चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर लोकल सिस्टम का टाइम वहां से बढ़िया से गेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एसटीआरएफ फंक्शन का यूज करूंगा। अब आपको यहाँ पर दो कंडीशन मिलती है कि आप आपकी डिजिटल क्लॉक का जो टाइम है ना वो 24 आवर्स में शो करना चाहते हो आपके यूजर को या फिर 12 आवर में शो करना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पर दोनों चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर 24 आवर्स का देख लेते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंट एच कॉलन और मिनट के लिए परसेंट एम, तो परसेंट एम उसके बाद कॉलन और सेकंड के लिए परसेंट एस, तो मैं यहां पर परसेंट एस कर देता हूं, देन कॉलन करके अगर आपको एएम पीएम की भी रिक्वायरमेंट है तो आप वहां पर एएम पीएम शो करने के लिए परसेंट पी का यूज कर सकते हो। तो हमारे यहां पर एक टाइम आ चुका है जो कि होगा लोकल सिस्टम का। अब ये टाइम कहां पर आना चाहिए, लेबल के ऊपर, तो चलिए लेबल को कॉन्फिगर करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेबल डॉट कॉन्फिगर, ठीक है, आप यहां पर कॉन्फिगर कर सकते हो। देन आपको यहां पर देना होगा टेक्स्ट कौन सा, तो मैं यहां पर पास कर देता हूं टेक्स्ट का यूज करूंगा, और जो टाइम है हमारा वो टाइम किस में स्टोर है, टाइम लाइव में, तो मैं यहां पर वो पास कर देता हूं टाइम लाइव, तो ये हमारा टाइम लाइव यहां पर पास कर सकते हैं। अब ये हमारा जो टाइम है ना वो बढ़िया से एक लेबल के ऊपर आ चुका है। इसके बाद इस लेबल को आफ्टर कर देते हैं, तो मैं यहां पर यूज करूंगा आफ्टर फंक्शन का लेबल डॉट आफ्टर फंक्शन, और यहां पर आप उसका साइज मतलब 200 दे देते हैं, देन हमारे फंक्शन का नाम, तो मैं यहां पर डिजिटल क्लॉक पास करूंगा और इसको एज अ फंक्शन पास नहीं करना है। अब बात करते हैं कि हमारी यहां पर डिजिटल क्लॉक बढ़िया से प्रिपेयर हो चुके, तो हमें फर्स्टली इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तभी तो हमारी वॉच रन होगी ना, या फिर हमारा जो टाइम है वो लेबल के ऊपर आएगा। तो फर्स्टली हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, देन हमारा मेन लूप चलाएंगे, तो मैं यहां पर लिख लूंगा वेब विंडो डॉट, यहां पर यूज करेंगे मेन लूप का, ये हमारा मेन लूप आ चुका है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि हमारी जो डिजिटल क्लॉक हमने जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर की है उस हिसाब से हमारी डिजिटल क्लॉक आ रही है या नहीं। तो चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं रन 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 टू द लूप, और बहुत बढ़िया से गाइस देखिए हमारी यहां पर एक बहुत बढ़िया से डिजिटल क्लॉक प्रिपेयर हो चुके हैं जिसमें एक टाइम आ रहा है, देन एएम पीएम के लिए हमने परसेंट पी का यूज किया था, तो वो भी बहुत बढ़िया से शो हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो हमने डिजिटल क्लॉक प्रिपेयर की है ना ये 24 आवर्स के हिसाब से सेट की है, लेकिन अगर आपको आपके डिजिटल क्लॉक 12 आवर्स के हिसाब से आपके यूजर या फिर क्लाइंट को शो करनी है तो आपको यहां पर परसेंट एच की जगह पर परसेंट आई का यूज करना होगा, जिससे आपका वॉच का जो टाइम आएगा ना वो 12 आवर्स के हिसाब से आएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं हमारे इस चैनल की, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पर आपको पाइथन के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मिल जाएंगे और पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिल जाएंगे जिनको आपको कवर करना चाहिए। किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नो डाउट आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।